क्लाइमेट चेंज की बात, धरती की आबो हवा लोगों के लिए बेहतर बन सके, लोग अच्छी और खुली हवा में सांस ले सकें, पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में क्लाइमेट चेंज पर एक बड़ा समझौता हुआ है। सभी देशों ने क्लाइमेट चेंज के इस ड्राफ्ट पर सहमति जता दी है, जिसमें तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम करने की बात थी। आपको बताएं, इस ड्राफ्ट के तहत साल 2020 तक $100 बिलियन का फंड जुटाने की बात भी कही गई है। दरअसल 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करने का भारत और चीन विरोध कर रहे थे। 2 डिग्री से कम तापमान करने से भारत और चीन को कोयले को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की आजादी मिल सकेगी। और इधर नोएडा में प्रदूषण को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू की है। जिलाधिकारी ने इंडस्ट्री एसोसिएशन, बिल्डर एसोसिएशन, आरडब्ल्यूए, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों और फिर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ भी मीटिंग की है। और इस मीटिंग में ऑफिस टाइम में बदलाव कर ट्रैफिक जाम से निजात पाने पर चर्चा हुई। इस दौरान बिल्डरों को निर्माणाधीन साइट पर एनजीटी की गाइडलाइंस अमल में लाने की हिदायत भी दी गई। तो पर्यावरण को लेकर जहां नोएडा में कवायद शुरू की गई है और जिला प्रशासन ने इसको लेकर अब सख्ती दिखाई है, जो पहल किए उसमें एक बैठक की गई। इंडस्ट्री एसोसिएशन, बिल्डर एसोसिएशन, आरडब्ल्यूए, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी और फिर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ ये मीटिंग हुई। जाहिर है, इस तरह की मीटिंग से, इस तरह की बैठक से लोगों में पहल करने की बात तो आएगी, लेकिन अंजाम तक इसे पहुंचाने में किस तरह से नियमों को कार्यान्वित किया जाए, इस पर अगर फोकस नहीं हुआ तो फिर परिणाम सामने नहीं आ पाएंगे। इस मीटिंग में जो खास तौर पर जिन फैक्टर्स पर बात की गई, उनमें यह भी कहा गया कि ऑफिस टाइम में बदलाव कर ट्रैफिक जाम से निजात किस तरह से मिले, इस पर चर्चा हुई। और बिल्डरों को निर्माणाधीन साइट पर एनजीटी की गाइडलाइंस अमल में लाने के लिए हिदायत भी दी गई जिला प्रशासन की तरफ से। इससे पहले शिकायतें रही हैं कि प्रदूषण में धूल के कारण जो पॉल्यूशन होता है वो 35% हिस्सा धूल के कारण ही वायु का प्रदूषण होता है, हवा प्रदूषित होती है। और इसमें भी अहम योगदान है कंस्ट्रक्शन वर्क्स का, और ज्यादातर कंस्ट्रक्शन खुले में किए जाते हैं। और इसको लेकर यह कहा गया है कि जहां भी कंस्ट्रक्शन हो वहां एक पर्दे से उसे घेरा जाए, और जो भी निर्माण के लिए सामग्री लाई या फिर ले जाई जाती है इससे जुड़ी हुई, उन सभी चीजों को ढक कर ले जाया जाए, जिसका पालन आमतौर पर नहीं किया जाता। लेकिन अब इन नियमों के पालन के लिए हिदायत दी गई है। अमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, ये जो मीटिंग हुई और इसमें अलग अलग वर्ग के लोगों को, एसोसिएशन को बुलाया गया, उनसे मीटिंग की गई, मीटिंग के बाद इन सब का रुख क्या था? क्या वो जिला प्रशासन की इस पहल पर बात आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से बढ़ाएंगे, इसके लिए कोई खाका था उनके दिमाग में? कुछ बातें उन्होंने बताई इस तरह की प्रतिक्रिया में। देखिए, आज मंथन करने के लिए कि किस किस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है, जो जाम लगने वाला है, और पॉल्यूशन को कम करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, उसको लेकर तमाम एसोसिएशन और संबंधित अधिकारियों के साथ में मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद जो बिल्डर एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष से भी हमारी बात हुई, इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष से भी हमारी बात हुई, और प्राधिकरण के अधिकारियों से भी बात हुई। तो सभी लोग जिलाधिकारी की पहल को लेकर काफी सहमत नजर आए। इंडस्ट्री एसोसिएशन ने ये कहा है कि सुबह का वक्त जैसे 9:30 बजे छुट्टी आने का होता है, तो उसको वो 9:30 से 10:30 तक डिवाइड कर देंगे, और छुट्टी के समय भी लेबर को एक साथ कंपनी से बाहर नहीं छोड़ेंगे, ताकि रोड पे एक साथ ट्रैफिक ना दिखे, जाम से लोगों को निजात मिल सके। तो तमाम जो भी आज मंथन हुआ उसको लेकर एक रजामंदी जरूर देखने को मिली है। अगली मीटिंग कुछ समय बाद होगी। इसी तरीके से जितने स्कूल हैं और कॉलेज हैं उनके साथ भी मीटिंग की जाएगी, और टाइमिंग को चेंज करके कहीं ना कहीं ट्रैफिक से निजात पाने की ये कवायद शुरू हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए।